हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लो होम विद मारिया। तो जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये मसाला कलेजी की रेसिपी। और ये बिल्कुल अलग ही स्टाइल से हमने आज बनाई है और बहुत आसान इंग्रेडिएंट के साथ में ये बन जाएगी मसाला कलेजी। और आज का लंच तो लाजवाब ही था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में सरसों का तेल डाल दिया था, और जितनी आपको ज़रूरत लगे उतना ही डालें। मैंने यहाँ पे डाला है लगभग 1.5 चम्मच के। और अब इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि हरी इलायची, लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और डाले हैं कुछ दाने काली मिर्च के। और अभी हम इसको होने देंगे क्रैक, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमने प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके रखा है, और इसको जितना महीन हो सकता है उतना ही कट करें। और बस अब इसको हम इसमें तेल में इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। पहले तो हम इसको थोड़ी तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको कर देंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो प्याज यहाँ पे अच्छे से हो गई है फ्राई, और अब हम इसमें डाल देंगे ये धुली हुई कलेजी, और पानी इसका हमने अच्छे से निचोड़ जाने दिया था। और अब हम इसको प्याज के साथ में खूब अच्छे से भून लेंगे, और ताकि जो इसमें इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और जब कलेजी का कलर चेंज होने लगेगा तभी हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले। और तो यहाँ पे देखिए कलेजी खूब अच्छे से फ्राई हो गई है, और प्याज भी काफ़ी थोड़ी गली गली सी लग रही है, और कलेजी का भी कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसमें डालने लगे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही। तो दही डालने से इसमें जो स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, यानी काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। तो दही तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी छोड़ने लगा है, तो दही जब डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि जो प्याज है वो इस नमक के साथ में ही गल जाए।